अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर सर, आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग थॉमस कॉल को सेक्शन 3.8 के क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक करें, विजिट करें। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो इसके बाद वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने लेक्चर को आकर तक देखना है, स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है लेकिन मैं आपके लिए इजी बना दूंगा, आप लेक्चर आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में बेसिकली कह रहा है ड्रेनिंग है मीन स्फेरिकल रिजर्वायर। उसका सारा का सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट काफी लेंथी है। यहाँ पे सॉल्व करने से आपका भी टाइम मतलब बच जाएगा, मेरा भी बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या कहता है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर क्यूब पर मिनट। अब मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहा है, वाटर जो है ना वो फ्लो कर रहा है किस रेट पे, 6 मीटर क्यूब। तो उसका हमने यहाँ पे लिख लिया होगा dv/dt इज इक्वल टू 6 मीटर क्यूब पर मिनट। अब मेरे साथ माइनस क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम आर रिजर्वायर शेप, फ्रॉम जब भी मैंने बोला था प्रीवियस सेक्शन में बोला था फ्रॉम आ जाए आपके पास तो आपने माइनस लगाना है, इसका मतलब नीचे बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है तो फिर इसके साथ माइनस आएगा। लाइक आई हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 13 मीटर, रेडियस जो है ना वो उसका 13 मीटर, डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं, रेडियस 13 मीटर मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, रेडियस आर इज इक्वल टू 13 मीटर, जैसे कि उसने पिक्चर में दिखाया हुआ है, फिगर में दिखाया हुआ है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिवन दैट दी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर इज वी इज इक्वल टू π/3 y²√3r-y। उसने आपको वॉल्यूम दिया, वो वॉल्यूम भी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, वी इज इक्वल टू π/3 y²√3r-y जी मैंने उसने दिया हुआ आपको क्वेश्चन के अंदर। व्हेन द वाटर इज y मीटर्स डीप, अब बेसिकली इसके अंदर हमारे पास थ्री पार्ट्स उसने हमें दिए, थ्री पार्ट्स आपने फाइंड करने हैं। पहले पार्ट में कहता है आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट रेट इज द वाटर लेवल चेंजिंग व्हेन द वाटर इज 8 मीटर डीप। वाटर का जो लेवल चेंज हो रहा है, यानी कि जो भी उसने आपको डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे वाई, ये मैंने यहाँ छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है, ये इसकी जो है ना वो डीपनेस, ये सारा का सारा यहाँ पे वाटर मैं यहाँ पे आपको मैंशन भी कर देता हूँ, ये सारा जो है ना वो इसके अंदर वाटर है, पानी भरा हुआ है, और ये वाई जो है ना वो आप लोग इसकी गहराई को वाई के साथ जाहिर कर रहे हैं, जो कि इसकी 8 मीटर डीप है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली ये सर्कल, अगर इसका सर्कल कंप्लीट करें तो यहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है। तो ट्राइंगुलर शेप की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया, इसको हमने आर माइनस वाई का नाम दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये आपके पास डीपनेस वाई है, तो इस चीज में से यानी कि ये आपके पास बेसिकली इसका रेडियस है, ये रेडियस है, इस चीज में से आप लोग ये हाइट निकालेंगे तो ये बनेगा बेसिकली आर माइनस वाई, यानी कि ये आपके पास रेडियस है ना, यहां से यहां तक बेसिकली आपका रेडियस है। तो टोटल लेंथ में से आप लोग आर को माइनस करेंगे तो फिर आपके पास ये चीज आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आर माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम मजीद इसकी बात करते हैं, मजीद इसमें क्या कहता है जी, हाँ जी, वाटर लेवल चेंजिंग, यानी कि हमने वाटर लेवल जो चेंज हो रहा है, वाटर के लेवल को वाई का नाम उसने आपको दिया हुआ है ना, तो डी वाई बाई डी टी, यानी कि चेंज इन उसकी गहराई में क्या तब्दीली आ रही है, डीपनेस में क्या तब्दीली आ रही है, डी वाई बाई डी टी आपने फाइंड करना है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में हमने लिख लिया जो उसने आपको दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू -6 मीटर क्यूब पर मिनट, ये भी उसने फार्मूला आपको दिया हुआ है। अब हमने क्या कर लेना जी, हमने इसमें चेंज निकालना तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया डी वी बाई डी टी इक्वल टू π/3, ये आपने क्या किया जी, 3r आपके पास वैसे का वैसे आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव था जी 2y और साथ आ गया डी वाई बाई डी टी, माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो ये बनेगा 3, पीछे आ गया 3y² और डी वाई बाई डी टी आ गया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू, आपके पास ये भी 3 मौजूद है, यहाँ पे भी 3 मौजूद है, जब मैं 3 को दोनों तरफ से कॉमन लूंगा तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा जी 2ry और उसके बाद dy/dt मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी dy/dt मैंने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे बचा y², dy/dt दोनों तरफ से कॉमन बाहर आ गया और 3 जो कॉमन लिया था वो 3 3 से कैंसिल हो गया,
अब उसने में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास रेडियस 13 मीटर है और वाई आपके पास 8 मीटर है और डीवी बाई डीटी आपके पास -6 है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं बन गया -6 विच इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 13, वाई की वैल्यू 8 माइनस वाई 8 का स्क्वायर डीवाई बाई डीटी। डीवाई बाई डीटी हमने क्योंकि फाइंड करना है जो आपके पास चेंज इन वाटर की डीपनेस में तब्दीली आ रही है उसको हमने फाइंड करना है। -6 इक्वल टू पाई इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे 208 -8 का स्क्वायर 64 डीवाई बाई डीटी आ गया। अब ये जी -6 इक्वल टू पाई इंटू इनको माइनस किया तो 144 डीवाई बाई डीटी आ चुका। अब इसको नीचे आके डिवाइड क्योंकि इसके ज्यादा हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -6 ओवर पाई इंटू 144 इक्वल डीवाई बाई डीटी। इसको आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा -1/24 पाई मीटर पर मिनट। ये था हमारे पास बेसिकली ए पार्ट यानी कि डी वाई बाई डी टी हमने फाइंड आउट कर ली है व्हाट इज द रेट वाटर लेवल चेंजिंग, वाटर का जो लेवल चेंज हो रहा है उसमें तो तब्दीली आ रही है वो आपके पास ये है। अब ये ए पार्ट था हमारे पास, नेक्स्ट हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द रेडियस आर ऑफ द वाटर सरफेस व्हेन द वाटर इज वाई मीटर डीप, यानी कि वाई आपके पास 8 है तो जब वाटर आपके पास 8 मीटर डीप है तो उसके रेडियस में जो तब्दीली आ रही है रेडियस में चेंज आ रहा है उसको आपने फाइंड करना। व्हाट इज द रेडियस आर ऑफ द वाटर सरफेस, रेडियस फाइंड करना चेंज नहीं फाइंड करना, चेंज हम फाइंड करेंगे सी पार्ट में। बी पार्ट में हम उसका रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस की जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनाएंगे, उसके बाद सी पार्ट में हम रेडियस में रेडियस का डेरिवेटिव लेंगे उसमें चेंज फाइंड करेंगे। तो बी पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। देखिए ये बेसिकली हमारे पास ट्राइंगुलर, यहाँ पे आपके पास ट्राइंगुलर शेप है और ये आपके पास रेडियस है जो कि आपके पास 13 मीटर है 13 मीटर। तो मैंने जो ना इसको नाम दिया एक्स का, ठीक है। क्या कहता है जी हमने इसमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, उसका रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस ये तो हमारे पास ऑलरेडी 13 मीटर है तो हम इस रेडियस को फाइंड करते हैं क्योंकि ये हमारे पास आर माइनस वाई है, ये चीज हमारे पास आर माइनस वाई है। ये अगर रेडियस ये आर है, अगर रेडियस यहां से ये वाला आर हमारे पास ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ गिवन है वो यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक टोटल आपके पास ये तो वाई हो गया तो फिर इतना इतना ये आर में से वाई को माइनस किया तो आर माइनस वाई इतना इतना आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या चीज रहेगी, हमारे पास एक्स रहेगा, हमारे पास एक्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्स पहले ये वाला रेडियस फाइंड करेंगे। ये वाला रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक जब हमारे पास एक और दो दो साइडें मौजूद होती हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग थर्ड साइड फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो हमारे पास ये मैंने ऑलरेडी वैल्यू लिख ली है, आर हमारे पास 13 मीटर है, वाई उसने 8 मीटर दिया हुआ है और एक्स जो रेडियस हमने अभी फाइंड करने लगे हैं। आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके पास है जी वाई स्क्वायर। तो वाई तो बेसिकली आपके पास आर माइनस वाई है तो आर आपके पास है जी 13, तो 13 वाई का स्क्वायर मैंने लिख लिया, ठीक है। 13 माइनस वाई का स्क्वायर लिख लिया, आर आपके पास है जी 13 का स्क्वायर होता 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे आ गया प्लस 13 माइनस वाई का स्क्वायर आ चुका। अब ये एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर ले तो इसको एक साइड पे लेंगे, ले जाए 169 माइनस 13 माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैंने एक साइड पे कर लिया, बाकी इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस, अब इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये मैंने स्क्वायर ओपन किया, 13 का स्क्वायर 169 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26 और 7 वाई आ चुका। ये मैंने फार्मूला ओपन किया ए माइनस बी स्क्वायर वाई 9-10 में एफएस में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो आपको पहले बताना चाहिए। अब मैंने क्या किया जी, ये दोनों चीजें आपस में हो गई कैंसिल तो ये चीज बन गई। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसका जब आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक्स रह जाएगा और इसका स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, देखे ना ये चीज होगी कैंसिल। तो इसको मैंने 26 वाई को पहले लिखा माइनस वाई स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर खत्म होगा इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये था हमारे पास बेसिकली बी पार्ट, ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी, ये हमने उसने बोला था कि बी पार्ट में हमने सिर्फ यही चीज फाइंड करनी है। अब सी पार्ट में बेसिकली हमने क्या करना, सी पार्ट में हमने इसमें चेंज फाइंड करना, इसका डेरिवेटिव लेना है इसी इक्वेशन का, इसका अब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे सी पार्ट में। देख लेते हैं सी पार्ट में उसने वो क्या बोला हुआ है, एट व्हाट रेट इज द रेडियस आर चेंजिंग व्हेन द वाटर इज 8 मीटर डीप, वही चेंजिंग की बात कर, जब चेंज की बात आ गई है फिर हमें डेरिवेटिव लेना है उसमें चेंज फाइंड करना है। डेरिवेटिव लेंगे डीएक्स बाई डीटी, इसको आप लोग 1/2 स्क्वायर रूट को हटा के इसकी पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं, dx by dt 1/2 पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, लॉपिटल रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, सारे के सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं,
अगर आप लोग देखना चाहते हैं आपको लिंक उसका मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और मे भी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, और लास्ट में देखिए जाकर डेरिवेटिव्स के हवाले से मैंने प्लेलिस्ट भी अपलोड की हुई है, बाकी भी पिछले तमाम एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.7 तक मैंने अपलोड की हुई है, लास्ट में देखें ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। बाकी ये जो रूल्स मैंने बताए ये भी लास्ट में देखिए, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने वहां पर अपलोड की हुई है। तो 1/2 आगे पीछे पावर रूल का 1/2 पीछे आ गया, इसकी पावर में एक माइनस किया, -1/2 बन गया। दोबारा इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 26 माइनस वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/dt और 2y/dy/dt वो मैंने साइड पे उसको कॉमन ले लिया, इकट्ठा मैंने मतलब कर दिया है, डायरेक्ट ही कर दिया। मैंने क्या किया 26y का डेरिवेटिव dy/dt y कॉमन आ गया, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y का ऑप्शन ये है और साथ dy/dt भी आना है, तो वो मैंने दोनों का यहाँ पे कॉमन लिख दिया हुआ है। dx/dt विच इज इक्वल टू -1/2 को नीचे ले आए तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, नीचे 2 आ चुका। अब 26 माइनस 2y से आप लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिए तो ये बन गया 13 माइनस वाई dy/dt। अब ये 2 से कैंसिल तो ये बच गया, ये 13 माइनस वाई इधर लिख लिया, 13 माइनस वाई ओवर 26y माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट dy/dt। नेक्स्ट हमारे पास है जी dx/dt इज इक्वल टू 13 माइनस वाई, आपके पास 8 है, 8 उसने आपको दिया हुआ, ये वाई 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 26y की जगह पे 8 पुट किया, माइनस 8 का स्क्वायर dy/dt। अब ये हमने फाइंड किया था ए पार्ट में dy/dt इज इक्वल टू -1/24 π, यहां पे पुट किया, सिंपलीफाई करेंगे 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये भी माइनस है तो माइनस का 5, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 288 π आपके पास आएगा। यही आपके पास सी पार्ट है, यही आप इसके अंदर चेंज है, यही इसका फाइनल आंसर है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 29 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया, ए बी और सी पार्ट को। आप लोग चाहें तो मैं पीछे हटता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग इसको देख सकते हैं, अगर कहीं समझ नहीं आती तो दोबारा से आप लोग देखें, वरना आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, तो समझ आती है तो नहीं आती जैसा भी अभी सब्सक्राइब आदमी किया करें वो जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग जाना वो क्वेश्चन 29 के बाद क्वेश्चन 30 की बात करते हैं, वो शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा लेंथी था, वो क्वेश्चन 30 थोड़ा शॉर्ट है, क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, कहता है ग्रोइंग रेन ड्रॉप, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो इसकी ज्यादा लेंथी नहीं, शॉर्ट सी स्टेटमेंट लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ भी आएगी इंशाल्लाह। ग्रोइंग रेन ड्रॉप, Suppose that a drop of mist is a perfect sphere and that, अब यहां पे स्फेयर की बात कर रहा है, अब स्फेयर की अगर बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि स्फेयर जो होता है ना बेसिकली उसका वॉल्यूम आपके पास होता है 4/3 πr³ और उसका सरफेस एरिया होता है आपके पास 4πr² यहां पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, वॉल्यूम 4/3 πr³ और सरफेस एरिया 4πr² ये आप चीज नोट कर लें। थ्रू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है, दी ड्रॉप पिक्स अप मॉइस्चर, ड्रॉप है ना वो मॉइस्चर को पिक कर लेता है एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। अब देखें थ्रू कंडेंसेशन के बाद जो है ना वो बेसिकली जो ड्रॉप है ना जो रेन ड्रॉप है उसमें बेसिकली क्या तब्दीली आ रही है, क्या चेंज आ रहा है, दी ड्रॉप पिक्स अप मॉइस्चर यानी कि उसमें कोई ना कोई उसके वॉल्यूम में बेसिकली उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है, एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट सरफेस एरिया, जो उसमें चेंज आ रहा है, जो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है, वो उसके सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। अब हमें वॉल्यूम का पता होना चाहिए, सरफेस एरिया का पता होना चाहिए, और चेंज इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। देखिए चेंज इन वॉल्यूम यानी कि dv/dt चेंज इन वॉल्यूम टाइम के लिहाज से तब्दीली आ रही है, dv/dt किसके प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, s के, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी यहां से खत्म करता हूं बराबर लगाता हूं तो यहां पे कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट आता है जिसको हम k का नाम दे देते हैं, कोई ना कोई यहां पे कांस्टेंट मौजूद है dv/dt इज इक्वल टू ks, ये चीज हमारे पास बन गई, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। शो दैट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द ड्रॉप रेडियस इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, साबित करना है, प्रूव करना है, कोई आंसर नहीं निकालना बल्कि हमने साबित करके दिखाना है कि जो इसके रेडियस में चेंज आ रहा है, द ड्रॉप रेडियस इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इनके इसका जो आंसर आएगा वो भी कांस्टेंट ही आएगा, हमने साबित करना है, प्रूव करना है।
तो देखते हैं जी, बहुत शॉर्ट स्टेप्स से मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, सॉल्व किया है, ताकि आपको समझ आ जाए। वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम जानते हैं, आपको याद रख लें। उसने बोला हुआ है जी, लें जी लाइट भी चली गई है, लें जी हमने जुगाड़ तो लगा लिया। अब देखते हैं, आपको पता नहीं नजर भी आ रहा सही तरह के नहीं, गुजारा कर लें, लगे कि लाइट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने बात की थी, इसमें चेंज इन वॉल्यूम में बेसिकली कॉन्स्टेंट और साथ आपको सर्फेस एरिया आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बनेगा डीवी बाय डीटी विच इज इक्वल टू 4/3 पाई, आपके पास वैसे के वैसे आ गया, आर की पावर 3 का डेरिवेटिव लेते हैं बनेगा 3r², क्योंकि पावर उड़ेगा 3 पीछे आ जाएगा, 3r² dr / dt बन जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल, तो ये बना डीवी बाय डीटी विच इज इक्वल टू 4πr² dr / dt। अब 4πr² बेसिकली किसके इक्वल है, 4πr² इक्वल है s के, सरफेस एरिया के। तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे s पुट कर दिया, ये बनेगा डीवी बाय डीटी विच इक्वल s dr / dt। अब यहां से डीवी बाय डीटी जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करना है, डीवी बाय डीटी की जगह भी पुट करेंगे s dr / dt। तो यहाँ पे पुट किया s dr / dt विच इज इक्वल टू बन गया ks। अब ये वाला s और ये वाला s से कैंसिल हो चुका, तो ये बना dr / dt विच इज इक्वल टू k कांस्टेंट। यही हमने फाइंड करना, तो यही हमारे पास प्रूफ था, यही उसने बोला हुआ था कि आपने जो चेंज इन रेडियस है वो कांस्टेंट, उसका कांस्टेंट होगा, तो वो फाइंड करें, प्रूव करें, साबित करें। तो ये चीज हमने जो है ना वो साबित कर ली, यही हमारे पास इसका शॉर्ट सा छोटा सा क्वेश्चन था। अभी तक तो आपको समझ आ गई होगी, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, एग्जाम जो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एंड पे आप ये रिक्वेस्ट होती है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, लाल बटन को प्रेस किए करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।